कालाढूंगी विधानसभा में बढ़ती आबादी के विस्तारित के कारण मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक निजी बैंकेट हॉल में बैठक की। वही मुख्य बाजार में नारेबाजी करते हुए तहसील गेट पर वे पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके उपरांत कांग्रेस जनों ने कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आबादी क्षेत्र बढ़ने के कारण अस्पतालों में उचित जांचों का ना होना लिखा गया है। वही डॉक्टर का ना होना भी लिखा गया है और एक बढ़ती हुई समस्या भी बताई है। सारे जिलों में, सारी विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता की जो पीड़ा है उसको सरकार के जो सोई हुई चैन की नींद में उसको जगाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की भी विभिन्न समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यहाँ पे मंडी खुलने की हमारे समय से हमें मुझे ध्यान है हमने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी आई उस पर रोक लग गई और आज तक यहाँ मंडी नहीं खुल पाई। बहुत सारे विषय हैं यहाँ, जंगली जानवरों की वजह से और जो बंदरों की वजह से, जंगली सुअर की वजह से जो लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है, जो किसानों के ऋण हैं, कई सारे ऐसे विषय हैं। और जो एथेनॉल प्लांट यहाँ पे मनमानी करके और ये अधिकारी आज भी मानने को तैयार नहीं है, हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं, अब इस पर हम गंभीर विचार करके हम लोग इस पर अलग से कोई ना कोई रणनीति बनाकर इन अधिकारियों का सामना करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत की बू आ रही है और अवश्य एथेनॉल प्लांट जो बन रहा है सारे मानकों के विपरीत बन रहा है और झूठ के दायरे में बन रहा है। 2008-09 के परिसीमन के बाद आज जो कालाढूंगी विधानसभा है इसकी आबादी लगभग दुगनी हो गई, लेकिन आबादी तो दुगनी हो रही है लेकिन जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे शिक्षा की, चाहे कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न गाँव में जो आंतरिक सड़कें हैं बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, जल जीवन मिशन के अंदर जो हर घर में नल और हर नल में जल जो योजना की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, आज स्थिति यह है कि पाइपलाइनें तो बिछ गई लेकिन उस नल में जल कहाँ से आएगा, इसका जवाब देने के लिए ना तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है ना सरकार बोलने को तैयार है। इसी तरीके से कालाढूंगी के समीप पड़ती चाहे हमारा कोटाबाग का पर्वतीय क्षेत्र हो, जो वहाँ के सीमांत काश्तकार हैं, मझोले काश्तकार हैं, उनकी जो फल का, उनकी जो सब्जी का, उनके उत्पादन का जो उपज है उसके लिए लगातार यहाँ मांग उठती आई है कि यहाँ पर एक उपमंडी केंद्र स्थापित हो, मंडी यहाँ पर आए जिससे किसानों को भी काश्तकारों को भी लाभ मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज जनता ने गुनाह कर दिया, 47 विधायक, प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार, 5 चुने हुए सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो बुनियादी सवाल हैं वो जस के तस खड़े हैं। तो इथेनॉल वाला तो बहुत बड़ा मैटर है, वो गलत आदेश प्राप्त करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमें हर विभाग से नो ड्यूज प्राप्त कर चुका है, क्लियरेंस प्राप्त कर चुका है, जो कि इसने कहीं से भी प्राप्त नहीं किया और उसको किसी तरह का भी कोर्ट का इस तरह का कोई आदेश नहीं है। सिर्फ इतना है कि उसको प्रोटेक्शन, उसको व्यक्तिगत सुरक्षा है, व्यक्तिगत सुरक्षा किसी को भी मिल सकती है, तो व्यक्तिगत संरक्षण करना, उसको बचाव करना तो राइट है, ये कोर्ट भी देती है, अधिकारी भी देते हैं, हर तरह से सुरक्षा का गारंटी होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, पीडब्ल्यूडी से लेकर हर विभाग से नो ड्यू लेके, इन्वायरमेंट से लेकर हर चीज के क्लियरेंस लेने के बाद ही कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ये बुनियादी है। हम समझते हैं कि इन पे किसी तरह का भी कोई अधिकार, कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट इन्होंने प्राप्त नहीं किया है, जो गलत है और ये फैक्ट्री रुकनी चाहिए और हर हालत में यहाँ के जनहित में ये फैक्ट्री का, इथेनॉल फैक्ट्री का रुकना बहुत जरूरी है।